हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका एक नया रिक्रूटमेंट के साथ, जिसमें आप लोग को लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से फिर से रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो और नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ 24th अप्रैल। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट द स्पोर्ट्स क्वाटो ओपन एडवर्टाइज फॉर द ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से इस बार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 24th अप्रैल से शुरू हो चुका है एप्लीकेशन, जिसका लास्ट डेट दिया 23 मई 2023। उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना होगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक एक जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को कौन कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन के जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, कौन कौन सी डिसिप्लिन एंड कैटेगरी के अंदर, कौन कौन सी स्पोर्ट्स विभाग के जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जितनी भी स्पोर्ट्स डिवीजन दिया गया उन सारे स्पोर्ट्स वाइज यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। जो फास्ट है वॉलीबॉल, उसके बाद कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक एंड इसके साथ साथ टेबल टेनिस, आर्ची। यहाँ पे 16 वैकेंसीज यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट दोनों ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए अगर बात किया जाए, तो आपको स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल के अंदर, इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल के अंदर अगर और कोई भी अचीवमेंट है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और यहाँ पे थर्ड पोजीशन तक यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आता है इंटरनेशनल चैम्पियन में, तो अगर आप ओलंपिक गेम्स के लिए सीनियर कैंडिडेट है, तो उनके लिए भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते एंड एलिजिबल हो। तो यहाँ पे बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस के लिए भी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चाहिए, जो कि 12 पास। यहाँ पे मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12 पास। अगर आप 12 पास है, तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है, तो भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ITI पास करने वाले भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या कुछ सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, तो इसको भी देख लेना। और इसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो बेसिकली अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे आपको ऑफलाइन के फॉर्म मिलेगा, जिसको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना एंड डाउनलोड कर लेना जो ऑफलाइन के फॉर्म है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, वो लोग यहाँ पे सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करके भेज देना होगा। तो अभी आपको बताऊंगा एज क्राइटेरिया, जो कि 18 से 25 ईयर्स तक रखा गया है। 18 से 25 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया दिया गया है। इसके अलावा एज रिलैक्शन भी मिलेगा। अगर आप SC ST है, तो आपको 5 ईयर्स, OBC है, तो आपको 3 ईयर्स के एज रिलैक्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइज़र ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में आपको जो है एप्लीकेशन के फॉर्म को भेजना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे देना है, इसको भी यहाँ पे रखा गया है, जो कि है फॉर दोज कैंडिडेट जो है जनरल OBC, उनके लिए 500 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस। एंड SC ST एक्स सर्विस मैन वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी आपको जमा करना होगा। ये भी आप लोग ऑनलाइन में ही भेज सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपके पास एक फ़ोटोग्राफ, जो कि पासपोर्ट साइज़ के एक फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी होना चाहिए। एंड जितनी भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की बात किया, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एप्लीकेशन करना होगा। अभी आपको बताऊँगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्पोर्ट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स ट्रायल के टेस्ट के ऊपर बेस करके सिलेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे उसको भी देख सकते हो।
गेम स्किल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट एंड एडुकेशन क्वालिफिकेशन टोटल यहाँ पे अलग अलग से नंबर भी मार्किंग किया गया है, इसके ऊपर बेस करके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इसके साथ अभी आपको दिखाऊंगा आपका फॉर्म, फॉर्म कुछ इस तरह से है। तो आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए फर्स्ट में आपका एक फ़ोटोग्राफ अटैच करना होगा, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कौन सी स्पोर्ट्स के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, कैटेगरी नंबर, प्लेइंग पोजीशन, कैंडिडेट का नाम आपको देना होगा, फादर नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके साथ साथ जेंडर आपको सिलेक्ट कर देना होगा, मेल और फीमेल। एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन जहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, रिलीजन, कम्युनिटी, हाइस्ट क्वालिफिकेशन, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ना आपको देना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना होगा, स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या रहने वाले हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आपका लेफ्ट थम इम्प्रेशन जो कि फिंगरप्रिंट स्कैन, फिंगरप्रिंट के छाप आपको यहाँ पे देना होगा, डेट प्लेस सिग्नेचर करके आपको इस फॉर्म को फिलअप करके भेज देना होगा। भेजने के लिए एड्रेस जो है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर सेकंड फ्लोर रेल सदन PO मांचेश्वर चंद्रकेश्वरपुर भुवनेश्वर उड़ीसा में आपको जो है इस फॉर्म को फिलअप करके भेजना होगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मौका है अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। आज के लिए यहाँ पे ही ख़त्म करने वाला हूँ वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते पूरा जानकारी आपको दे चुका हूँ। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए डेफिनेटली आप लोग विजिट कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट में जिसमें भी आप लोगों को और भी अच्छा खासा जॉब की अपडेट मिल जाएगा।